Hello everyone, and welcome to Face with Rashi. But this time your host has changed. Yeah. You are with me, Ashish Srivastav, and today I have got a wonderful opportunity to interview K. Rashi Kumar. Oh my god, that's so sweet. And they all are our friends. We have our extended family out there, Ashish. Exactly. So I won't lie to them. He wanted to talk to me, and yes, I love that. But हमने इतना बोला कि चलो इस talk में आप सबको हम शामिल कर लेते हैं. But let me add one more thing. Yeah. In every interview, you have interviewed other people, and all of us has come to know about them. Okay. But now we want to know something about you as well. Oh, that's such an honor, Ashish. So let me start the coffee, session. Coffee. Yeah, definitely it will come along. But पहला question है आपसे कि about your schooling, how are the memories and the feelings associated? Oh, lovely memories. Ashish, सबसे पहले I was born in Patna. Okay. हाँ, and when I was just 3 years old, मम्मी पापा दे शिफ्टेड टू लखनऊ. Okay. And जो मेरी memories हैं वो happy hours school की हैं. I was a very sweet and small school. हमारी घर से थोड़ा सा दूर. हमने वहाँ class 5 तक पढ़ा है. And वो मेरा base रहा school discipline में. I got wonderful teachers and ये boasting नहीं होगा अगर हम ये कहें कि आप मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, मेरा बेस क्या है, वो मुझे देख के आप अंदाज़ा लगा सकूँ. I believe I'm a very disciplined, I am a disciplined person. You are, for sure. And the credit the goes to my base. The people who know you definitely know this. Thank you, Ashish. We would like to know something about your college life also. Right, class 5 वहाँ से किया, फिर 7th Adventist term. मैं सिक्स्थ स्टैंडर्ड किया, यू नो, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू एमा थॉमसन स्कूल, दैट वाज माय स्कूलिंग, 9th एंड 10th आई डिड फ्रॉम देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ आईटी फ्रेटर्निटी, ओके ओके, एंड देन माय 11th 12th एंड ग्रेजुएशन ऑल फ्रॉम आईटी कॉलेज, अबुलतुलम कॉलेज, इट्स अ फर्स्ट वुमेन कॉलेज इन एशिया, ओके, एंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी देयर. लेकिन लाइफ में यही सिखाया कि हर चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जो चीज जहाँ से आप सीख रहे हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है. ये बात तो है. नथिंग इज बिगर स्मॉल इन लाइफ एंड वन नीड्स टू बी वेरी बैलेंस्ड. सो एज फार एज आई नो यू, योर सब्जेक्ट वाज इंग्लिश. माय सब्जेक्ट इज इंग्लिश. आई हैव इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी. 5 इयर्स आई स्टडीड साइकोलॉजी. बट वेयर द इंस्पिरेशन केम फॉर रेडियो? रेडियो आशीष, सच बताएं हम तुमको, हम बहुत ही रिजर्व पर्सन थे. Okay. आज भी मेरा बहुत मिस्ट्रीज है लाइफ में, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू मी इज मी माई सेल्फ एंड गॉड, राइट? दो एंड तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, भूल गए. इंस्पिरेशन अबाउट रेडियो. तो यू नो 7th 8th में ऐसा हुआ कि रेडियो बिकेम माई फर्स्ट फ्रेंड, काइंड ऑफ अ कंपेनियन, उस पे गाना सुनना एंड ऑल दैट. फिर उसमें एक आवाज़ सुनी कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, राइट? एंड वो लगा कि यहाँ पे ये सपना है, दिस इज द ड्रीम, एंड आई हैव लिव्ड दैट ड्रीम, आई चेरिश दैट ड्रीम. सो आई नेवर न्यू व्हाट रेडियो वाज, और मेरे को कभी नहीं लगता था, मुझे लगता था ये एक बॉक्स जैसा है, इसमें से कहाँ से आवाज़ आती है, कौन होगा, कहाँ बैठता होगा. उस जमाने की इनोसेंस और होती थी, राइट? तो बस वो आवाज के लिए वो एक फैसिनेशन था, एंड आई कॉल इट माय इंस्पिरेशन, समथिंग आई नेवर लॉस्ट इन टच विद. ओके, दैट्स वंडरफुल. बट देयर मस्ट बी सम हॉबीज आल्सो व्हिच वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस. आई लव्ड राइटिंग, आई एम अ रोमांटिक पर्सनालिटी, सो क्लास 11th आई रोट अ वेरी रोमांटिक पोएम, एंड सारे फ्रेंड्स पीछे पड़ गए थे, हु इज इन योर लाइफ, हु इज इन योर लाइफ. एंड तब हम छोटे थे, बताने के लिए कि भाई इमेजिनेशन और फैंटेसी के लिए, एक रोमांसर होने के लिए आपको बहुत अकेला रहना पड़ता है. सो आई वुड लव टू रीड आउट दोज लाइंस टू यू. श्योर. व्हाट इनसाइट्स मी टू लॉयटर इन योर स्वीट ड्रीम्स, व्हाट इनसाइट्स माई ट्रेजर्स टू वॉक दैट फ्रेग्रेंस टुवर्ड्स यू, व्हाट इनसाइट्स माई आईज टू एनरैप्चर योर वंडरिंग हार्ट्स, व्हाट इनसाइट्स माई रूबी लिप्स टू शट दैट रेड लव ड्रॉप बाय ड्रॉप. Perhaps it's the strong agitation of my mind. Perhaps it's the strong desire to faint in your arms. Yes, an eagerness that compels me the most. It is to die in your arms, my love. Oh my God. I wrote beautiful. It in class 11. That's and you know, my beautiful. Teachers, they were shocked, Rashi. You have written this. I mean, wonderful vocabulary. You have written this. But yes, ma'am,
I have written it, and I used to be so unsure that kya, matlab I need, do I need to shy that it is a love poem? So they inspired me in IT college that no, you've written something beautiful and you should come out boldly with that. IT made me bold. IT college made me very bold. That's wonderful. But definitely a question arises related to it then. What are your other things related to you? Mm-hmm. What kind of person you are? Basically? Person, Ashi, you tell me what kind of person I am. One quality that I know, you are very honest. Okay. I'm dead honest sweet. At times. I'm sweet. Very sweet. Okay. But I've been very, very naughty. And if Arshima and Huma, and Nikhat, if you're watching this, you know how naughty you are. The eye hand played practical pranks, Ashish. Oh, I can't believe this. I think you have to believe that. Practical pranks on people. And ek bar hum log ka pura all girls ka college ka. And university was a big thing for us. Mm-hmm. So in graduation, we thought, I don't know whether I should share this with Riya or not. And in graduation, I and Arshima, I'll name her. And we thought ki chalo hum log university ke classes attend kar lete hain graduation pe. Acha IT mein padhai pehle ho jati thi, right? So it was like Wordsworth and everything hum log pehle pad chuke hote the. So we thought let's attend university's classes. Humne jaake wahan pe attend kar liya class and obviously sir was there, professor was there, he asked some questions of William Wordsworth. And you know, on every question my hand was up, on every question my hand, okay. Hands were. Still I remember the definition, emotions recollected in tranquility. And you know, professor was so impressed. And you know, when we came out, like mostly the boys, they were after life, like, you know, like they're so intelligent, you know. Mm-hmm. So, उन्होंने हम लोग से जब नाम पूछा था तो हम लोग ने अपना नाम real names नहीं बताए थे. Christina and Estella bataya na, and we had attended those classes for 5 days and the 5th day hum log ye bhool gaye the ki hamara naam kya hai. So friends were calling Estella. So Arshima is telling me Rashi is calling me. I said no, he's not calling me. You are Estella. Okay. So it was like that. It was all fun. And they are the memories. They are the memories. They are wonderful memories, I believe. And your friends must be enjoying this chat for sure. Oh, I tell me something more about your friends. In your my friends, life. Ashish. मेरा ये मानना है मेरे मतलब जो भी लोग मेरी life में आए ना आशीष मैंने बहुत दिल से उन्हें प्यार किया. वो मेरे थे पहले दिन से. उन्हें शायद ये जानने में वक्त लगा. वो जान पाए नहीं जान पाए मेरे को नहीं पता. लेकिन मेरा उनके लिए heart सिर्फ उन तक नहीं था. उनके मम्मी डैडी के लिए था. उनकी फैमिली के लिए था. हम बहुत इनोसेंट थे आशीष. और यू नो मुझे मेरे को आज भी याद है मेरी एक दोस्त हुआ करती थी एंड उसका छोटा सा घर था तो उसकी बर्थडे थी एंड आई वाज हार्डली 10 और 12 इयर्स ओल्ड एंड उसकी बर्थडे थी तो मम्मी ने मुझे बेस्ट फ्रॉक मेरी पहनाने मेरे को बोली थी एंड हम तब छोटे थे लेकिन हमने कहा नहीं हम ये बेस्ट फ्रॉक नहीं पहनेंगे तो मम्मी आई थिंक शी स्लैप्ड मी ऑल्सो कि क्यों नहीं पहनोगी लेकिन हम अपने पुराने कपड़े पहन के गए थे जानते हो क्यों क्योंकि आई वॉन्टेड कि मेरी दोस्त की फ्रॉक दी बेस्ट लगे क्योंकि उसके पास उतने अच्छे ड्रेसेस नहीं होते थे ठीक है तो ऐसी राशि है अभी भी थैंक यू फॉर दैट एंड आई होप कुछ भी इस दुनिया में जो भी दौर आए वो मेरी आइडेंटिटी को ना बदले यही मेरी कोशिश है तो बहुत सारे दोस्त आए आशीष लेकिन सच पूछो तो सबसे क्लोज मेरे दिल के हम खुद हैं आशीष Actually, this is an inspiration for everyone. Thank you. So, I would like to name Sam, Huma, Arshima, and Narjis. मुझे FB पे मिली, Shazma मिली. बहुत सारे दोस्त मिले जिनके मैं नाम यहाँ पे obviously गुस्सा नहीं होना यार दिल में हो तुम लोग लेकिन सब बहुत special होंगे. No, that I can understand. क्योंकि list बहुत लंबी होगी. Right. For sure. Now I'm getting more personal. Okay. Tell me something about your love life. Love life. I believed in love. I am a romantic personality. If I assess, I'm into personality grooming and all. So, I assess myself as a romantic personality. I've loved people, Ashish, and I was very sure of one thing. I never had any affair in life.
या कुछ ऐसा संस्कार मिला, गुरु लोगों का मैंने व्याख्यान बहुत सुने, तो मुझे ये डिफरेंस 13-14 इयर्स में भी पता था कि व्हाट इज़ लव. तो मेरा जो फर्स्ट लव स्टोरी था वो राधा एंड कृष्णा का मैंने पढ़ा, तो दैट डिविनिटी वॉज देयर इन मी, राइट. तो जिससे भी प्यार किया, बहुत दिल से प्यार किया, आज भी वो लोग मेरे दिल में हैं. और बिल्कुल सच है, आज मेरे कार्ड्स, मेरा डिविनेशन भी यही कहता है, ये खुला आसमान है, हम सब उसमें चमकते सितारे हैं, कौन किससे जुदा है. That's wonderful. Right. That's really beautiful. So, my love life you was, yes. My first crush you won't ask. I will. That was my next question actually. Oh, he was Salman Khan. Aap usko aaj dekhte ho. My God, Salman, my heart still skips a beat when I see you. And his maine pyar kiya. Ooh, aisa kaun sa poster hai jo maine uska nahi khareeda hoga. Right? I used to collect it. That was my hobby, na? To ek waqt mein mera wo passion aur wo hobby tha. Aur you know what a dream tha? Ki main actress ban jaun. Hai na? Aur try kyun nahi kiya? Actress ban jaun, lekin sirf Salman Khan ke liye. Right? I mean, you know, I should be an actress. Here, after 1 year, I dropped the idea because I'm a person who is, you know, who believes in a lot of personal privacy. Okay. So I don't like people to be close to me, you know. Okay. So that was one reason I thought that I would drop. And फिर change हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं चलो सलमान के साथ एक movie कर लेते हैं और उसमें उसकी sister बन जाते हैं. उसमें distance sister. भी, okay. Sister. Okay. Distance भी होगा और acting. You understand the level of my love? Definitely. Right. So nothing matters. I just wanted to. And something happened when I won Voice of UP. An interview was there, page one, ek side Salman, ek side Rashi. Oh. Itne saal baad my dream came true, I was opposite Salman Khan, man. That's really wonderful, Rashi. And I'm hopeful about it. Say, God bless my words, one day I'll meet Definitely. Salman and I'll show that cutting to him. Definitely. I love him so much, ki mujhe lagta hai, jo kuch bhi hua hai na, it's only because of my prayers, you see. That's beautiful, actually. Oh my God. Now, the next question will be that one thing I know about you, yeah. Your love for animals. Love for animals, they are my best friend. Kabhi kabhi to mujhe aisa lagta hai, hum is duniya ke hai nahi, insano ke liye hai nahi, right? Mere ko aisa lagta hai, mujhe koi jungle mein chhod de, jahan pe free birds ho. I mean, lion ka bhi thought, mujhe nahi pata mere saamne aayega to mera, mujhe kitna dar lagega main bhaag. Lekin pata hai, abhi agar tum mujhe bolo lions ho, I love lion. Okay. I want to go close to him, you know. I love lion, I love animal world, and I don't find any animal ugly or something. I'm scared of a spider. Mm-hmm. I won't say I love lizard, no. But I don't want anybody to hurt that. Definitely. Right. I love reptile world. Kitna ferocious hai God ka world. Right? That's true. Right? हम इंसान मतलब इतनी छोटी सी सोच रखते हैं, ये गॉड का दुनिया कितना बड़ा है आशीष, कि come out of your zones man, fall in love with nature, take your bag, झोला उठा के अपने adventure पे चलो. Definitely. And even I love traveling and yeah, I love you nature. You travel a lot. I travel a lot. Yeah. For sure. Before asking you another question, uh-huh. I would like to know, what kind of questions annoy you? Annoy you? Point number one, do not ask me what my age is. Okay. Right? That's one. Please don't do that. And you will never do that. Aur aisa nahi hai ki aaj ye hai. When I was 16 years old, this question always used to trouble me. Okay. Aap kisi ke paas bhi chale jaiye. Main aisa nahi bolungi kisi ko bhi hai. Lekin divination mein bhi like tarot reading, maine apna ek ethics banaya. हम किसी का एज नहीं पूछेंगे, हम डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेंगे, हम टाइमिंग्स नहीं पूछेंगे. हम उसके बाद डिविनेशन और इंट्यूशन के थ्रू आपकी वो रीडिंग करेंगे. व्हाई टू गेट इनटू पीपल्स लाइफ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एज. एवरीबॉडी इज एजिंग. जब एक साल का बच्चा भी दो साल बाद तीन साल का होता है, ही इज ऑल्सो एजिंग. राइट. सो एजिंग इज अ प्रोसेस. व्हाई टू मेक ह्यूमन क्राई आउट ऑफ दैट. देन आई डू नॉट लाइक गर्लिश और फीम. आई मीन आई एम सो सॉरी बट यू नो कैरी ऑन प्लीज. Girly questions I don't like. Okay. Right? When you got married, how many years of marriage, how many kids you have. Right? Mm. That's a personal life and don't touch that. You know? Okay. I mean,
I understand, and I will not ask any of these questions. No, you can ask me. You can ask me about my married life. Like, my in-laws are in Bangalore, and my husband is a journalist, Sandeep, and he has been a huge, huge support. And I believe that, not because I'm his wife, but he's a very honest guy, and very disciplined he is. He's thoroughly professional, and no attitude. No, definitely. So that I agree. Just admire him. I agree that to that because I've met him. And you have and met. He's a wonderful person. And you have sure. met my Sunny. Definitely. So it's a sweet small world. और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं. मेरे वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने जिनको हमने पढ़ाया है, जो आज हमसे पढ़ रहे हैं. आज भी मेरे को याद है. I was hardly 23 years of age, and I got an opportunity to teach at City Montessori College. And Mr. Gandhi had asked me just one question after final, during the final. He said, everything is fine with you, Rashi. The thing is that you're very young. 12K boys ko, how would you handle? You know what I had answered him? What? Maine kaha, sir, I just believe, beta maa se kitna bhi lamba ho jaye, wo rehta beta hi hai. Oh, that's a wonderful so I was so approach, sure actually. Of my, I was so sure of myself. That's a wonderful approach, Rashi. Yeah. What was the turning point of your life? That definitely, I believe, everyone wants to know, what is the turning point of your life? Many, Ashish. Many. इस समय तुम्हारे साथ बैठना भी मेरी ज़िंदगी का एक turning point. Okay. किसने सोचा था एक दिन आशीष ऐसा chat करेगा मेरे साथ? Oh, and a person like me who was so camera conscious. No, Ashish, everything. And turning point, if you ask me, एक turning point रहा मेरी life का. हम घर आ रहे थे अपने भाई के साथ और हमने रास्ते में एक वोमन को बिना कपड़े के बैठे देखा. वो शी वॉज अ मैड वोमन एंड लोग उसको देख रहे थे, कुछ लोग उसे तंग कर रहे थे. तो हम घर गए, हमने मम्मी से कहा, मम्मी कुछ दे दो, हम उनको पहनने को देंगे. तो मम्मी ने गाउन दिया क्योंकि गाउन इज़ द ईजिएस्ट टू वेयर. आपने ऐसे डाल लिया तो वो आपको ढकेगा. तो और फिर हमने सामने से कचौड़ी सब्जी मिल रही थी वो लिया. Because we were scared of her, तो हमने दूर से वो चीज़ दोनों चीज़ें फेंकी. और सुबह के वक्त हम मैं रात भर सो नहीं पाए. आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन. हम रात भर सो नहीं पाए. और जब हम सुबह हम उस रास्ते से गुजरे, शी वॉज वेयरिंग दैट गाउन बट शी वॉज डेड. एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि आपकी ज़िंदगी को जीने का एक पर्पज होना चाहिए. अगर उस दिन हम मर जाते तो कम से कम हमारे अंदर ये रहता कि आई कवर्ड somebody. That's true. So your that's really life true. Is very precious. Don't waste it in this, jokes. This is something everyone should learn. Right. Whoever is listening. एक turning sure. point था. हम कल्लू के लिए लड़े थे मेरा स्ट्रेट डॉग. Yeah. उसको एक इंसान ने पॉइजन दे दिया था, वो मर गया था. Mm. And I'm very grateful to Mrs. Menaka Gandhi. At that point of time, she was Union Minister of Health and Environment. Madam, she came, she ensured उसका FIR lodge हुआ, non-bearable warrant issue हुआ. और मेरा कल्लू मेरे सपने में 3 दिन आया तिलक लगा के. Thank you, Gigi. So, अगर आज मैं मर जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ का गर्व रहेगा कि मैंने अपनी दोस्ती निभाई, अपने दोस्त के साथ जो बोल नहीं सकता था. नहीं, that's for sure. क्योंकि इंसान तो अपनी बातें कह लेते हैं, वो नहीं कह पाते. राइट राइट. दो तीन बार मैंने सुना अभी इंटरव्यू में ही. हाँ हाँ. तुमने अपने टैरो कार्ड्स का जिक्र किया. या एवरीवन वुड लव टू नो अबाउट इट. टैरो कार्ड फॉर श्योर. टैरो कार्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट. मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि आशीष ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट एट ऑल फॉर कमर्शियल पर्पस. जब कोई चीज़ सेल्फलेसली आप करते हो तो उसकी ब्यूटी, स्पार्क, उसका हीलिंग पावर अलग ही होता है. हम हाँ कभी कभी आई जस्ट आस्क पीपल एनर्जी को रिवर्ट करने के लिए आई आस्क देम टू पे मी समथिंग. लेकिन दैट मनी आई यूज इन फीडिंग माई एनिमल्स. राइट. सो यू अंडरस्टैंड बिकॉज आप उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करें. मैंने वो आर्ट सीखा नहीं है. वो आर्ट मेरे ड्रीम्स में आया. मैंने किसी के टैरो कार्ड्स देखे और मुझे उन्होंने फैसिनेट किया. मेरे ड्रीम्स में वो फ्लोट किए एंड दे एंटर्ड माय लाइफ एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड टू माय लाइफ टैरो कार्ड्स. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट हैपेंड टू माय लाइफ. राइट. क्योंकि उसने मुझे पावर दिया टू हील द वर्ल्ड. एंड आई थिंक आज की दुनिया में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. हीलिंग ऑइंटमेंट से नहीं होता, हीलिंग प्यार से होता है. ठीक है. प्रेयर से होता है हीलिंग. सो वी मेक वन वर्ल्ड मैन.
Now I have a very serious question about you. Mm-hmm. How do you manage this versatility? Like? You are an academician, you write books, you are handling radio thing, radio programs and so many other, like your love for animals, you are daily feeding them. Ashish, how do you manage these things? Managing, it's just like every day when I get up in the morning, I tell myself, राशि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए अगर किस कोई भूखा है उसे तुम 10 को नहीं खिला सकते, तुम 1 को रोटी डाल दो, ठीक है? रेडियो का 1 प्रोग्राम कर दो, क्या पता ये जिंदगी का तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम हो। अपना 100% अपने दोस्तों को दो। और आशीष, जब तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता ना, तब तक मैं आई डोंट रिएक्ट टू थिंग्स, राइट? आई एम अ पर्सन हु इज़ अ लोनर. Mm-hmm. Neither I believe in, and then I'm a scorpion. If you disturb me, then be ready for my stings. I'll not leave you. And as you had said one thing now, once, that Rashi, nature never leaves anything unfinished. Yeah, that's true. I believe in that. Quoted by my friend Ashish. I believe it. It is very true. And one should not leave anything unfinished. Jo cheez ki hai aapne shuru ki hai, usse aap pura kariye, anjaam tak le jaiye. One more question about your book, A Gift. A Gift. It's a very special book. If I see Institute of Professional Studies, mm-hmm. I think when it started? It was started in 2000. So almost 15 years it has crossed. 17 years, a decade and 7. I believe I'm the first person to pen a book on software skills development. I also googled software skills at Allahabad University. Many papers have been written. But it would not be boasting. It is a genuine experience of life expressed. The truth, the honesty, the genuinity. Mm-hmm. It's a magic, it's a divine book. It aisa koi zindagi ka sawal nahi jo kitab aapko answer nahi kare. And I can definitely add one thing to it. Yeah. Your book is seriously a guiding light. बिकॉज यू नो वॉट आशीष, ये किताब मैंने कमर्शियल पर्पज से नहीं लिखी है. अगर लिखी होती तो हम इसका नाम देते पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आई हैव रिटन इट एंड आई हैव नेम्ड इट अ गिफ्ट बिकॉज इट इज माई गिफ्ट. दैट्स वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड. सो इट्स द लेगेसी दैट आई हैव पास्ड ऑन. आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद माई यूनिटी चिल्ड्रन. मुझे इतना लव यूनिटी स्टूडेंट्स ने दिया है कि जो मेरी जर्नी है उसका वो बहुत ब्यूटिफुल हिस्सा है और हमेशा रहेंगे. वहाँ का स्टाफ मेम्बर्स डॉक्टर तलबे सादिक साहब. Then, I'm speechless on that. Love ko main define nahi kar sakti. I can understand that. Because you have penned it down beautifully. Thank you, Ashish. Beautifully. Thank you so much. Now, one section. Yeah? Which you don't like to talk about. Okay. Your achievements. Achievements, Ashish. Because I've never seen you talking about it. Ashish. जो मम्मी डैडी बात कहते हैं ना बहुत प्यार में, उन्हें हम हल्के में लेते हैं, कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है? पापा ने आज से 20 इयर्स बैक ऐसे ही किसी से, ही वाज वेरी हैप्पी विद माय कोई अचीवमेंट. मेरा कॉफ़ी तो ठंडा हो गया, तुम मेरे कोई हॉट कॉफ़ी हो, ठीक है? तो पापा ने ऐसे ही मजाक में सबसे, मजाक में नहीं, ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट एक्चुअली, जो मैं बहुत गुस्सा हुई कि क्यों ऐसा आपने बोल दिया. ही सेड मेरी डॉटर वर्ल्ड में नंबर वन. Aaj, when I became a finalist for the Presenter of the Year, it was my papa's faith in me. He has got a strong willpower. Aur mere ko lagta hai, main apne har student se kehti hu ki tumhare mummy daddy se mujhe milne ki zarurat nahi hai, kyunki tumhe dekh kar mujhe pata lagta hai tumhare mummy daddy kaun hai. I've got so much of respect for them. So, my daddy's willpower, I have seen him playing with money. I've seen him in the worst of times and foods. I've seen him when nobody was around to help him or support him, right? Mm-hmm. Right? But his willpower, oh, not because he's my father, no. No, that I understand. It's very fair and very objective. You're very fair about these things. Right? And he is the one who gave me the wings in my family when girls were getting married at the age of 19, when everybody was after his life. He gave me my wings. And he let me be me. He let my masculine thought flow. Right. Kya kare Ashish, masculine attitude hai life ke liye. It's so okay. I cannot help it, man. It's absolutely right.
और एक चीज और कोई भी वो नहीं होना चाहिए मुझे पापा आपने पूछा ना लव लाइफ क्या करेंगे हम पापा से सपोर्ट मिला ब्रदर से सपोर्ट मिला तुमसे सपोर्ट मिला ऑल मेन इन माय लाइफ यू नो फ्रेंड्स और व्हाटएवर संदीप मेन क्या करें भैया लोग मेन क्या कर सकते हैं सो एक चीज मैं जरूर बोलूंगी लेकिन वुमेन को वुमेन का सपोर्ट करना चाहिए एंड बहुत ज्यादा करना चाहिए द वर्ल्ड वुड हैव बीन एन एंटायरली डिफरेंट प्लेस I have a different take. Huh? Every human should support the nature also. Absolutely. All the forms. In all the forms. Be it human, animals, or nature. Absolutely. Thank you for completing it, Ashish. You're most welcome. But definitely, we have not talked about your achievements till now. Yeah. Your Voice of UP award. Yeah. Then Rani Lakshmi Bai award. Voice of UP was very special to me because. उस अवार्ड ने एक मैसेज लोगों को दिया बहुत लोग हैं जो रेडियो पर बोलते हैं हम भी उनमें से हैं हम भी रेडियो पर बोलते हैं लेकिन ऑडियंस ने एक मैसेज दिया हम किसे सुनना चाहते हैं ये बहुत थिन लाइन है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बहुत ग्रेसफुली क्योंकि ऑडियंस एंड लिसनर्स दे आर गॉड राइट अगर कल कोई मुझसे ये बोलता है राशि आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू इट कुछ लोगों ने मुझे बोला राशि भाई ये प्रोग्राम हमें आपका नहीं पसंद आता है Thank you very much. You love me. Thank you. Don't love me. Thank you very much. Everything is not for everyone. Exactly. So that grace should be there in you. Right? Absolutely. So Voice of You became very special to me. I'm very, very thankful to the state government. At that time, Chief Minister, former Chief Minister, Shri Akhilesh Yadav. Wonderful human being. And Rani Lakshmibai Award for my contribution to FM industry. Thank you so much. Now this AIB, Daddy's, yeah. Papa's words had to come true. That I can. Right, and I'm very happy for Mr. Campbell. I mean, an eminent journalist. But it is such a prestigious and big award. Today I floated a message to RJ Karthik also. He was also one of the finalists. So I congratulated him. That's because really keep your heart big, man. Zindagi bahut choti hai. और किसी की तारीफ भी किसी का हक है हक किसी का मारा नहीं करते नहीं ये बहुत खूबसूरत है बट डेफिनेटली दिस अवार्ड दिस अचीवमेंट मींस अ लॉट टू ऑल ऑफ अस बिकॉज यू वर रिप्रेजेंटिंग अस ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इट वाज माय इंडिया इंडिया माय एंटिटी मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान थैंक यू सो मच राशि फॉर दिस वंडरफुल सेशन Thank you so much for listening to me and thank you so much once again. You all have been a very special part of my journey and this journey will continue. Our bond is eternal and special. Thank you, Ashish. Thank you so much, Rashi, and thank you everyone for watching this. Cheers. Thank you.